टुडे हमने मल्टीपल टूल्स डिस्कस किए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लेकिन हमारा जो ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट एरिया है डेटा विजुलाइजेशन का, उसमें दिस इज द लास्ट मॉड्यूल। एंड एज आई मेंशन, दिस इज द लास्ट बट मे बी दिस कैन बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड डेटा विजुलाइजेशन इन विद अ सिंपल टूल। दिस इज द सिंपल टू यूज, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, आप इसकी जो टूल बार है उसके ऊपर आपको चार्ट्स, वो जो बेस्ट फिट चार्ट्स, बेशुमार फीचर मिलते हैं जिनकी वजह से आपके लिए बड़ा आसान है कि आप कोई सा भी टूल जो सॉरी चार्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इसके अंदर बड़ी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। आप इसको अपने डेटाबेस के साथ लिंक करके इसके अंदर विजुलाइजेशन कर सकते हैं। आपकी जो वर्कशीट्स हैं उसके अंदर जो डाटा है आप उसको विजुलाइजेशन कर सकते हैं। या आप जो पूरा आपके पास एक टेबल स्ट्रक्चर है एक्सेल शीट के अंदर, उसमें से कोई एक हिस्सा सेलेक्ट करके आप उसको भी विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें भी जैसे हमने और बाकी टूल्स में देखा, चार्ट्स अवेलेबल हैं, टेबल अवेलेबल हैं, फिगर्स अवेलेबल हैं, गेजेस अवेलेबल हैं, तो ऑल टाइप ऑफ चार्ट्स इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वो जो, और हमने जब हम पावर बी आई को डिस्कस करें तो वी डिस्कस दिस सिमिलैरिटी एज वेल। इन दोनों में जो सारे चार्ट्स इसमें अवेलेबल हैं या पावर बी आई में अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ दोज चार्ट्स इफ नॉट ऑल दे आर अवेलेबल हेयर ऑल्सो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, अब इसमें एक लिमिटेशन ज़रूर आती है कि इसकी, क्योंकि जब वो डिस्प्ले की एक आपके पास जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अनलिमिटेड भी कुछ लोग कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट रियली एडवाइजेबल कि आप इसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा डाटा मेंटेन करें। लेकिन स्टिल इट इज़ अ वेरी यूजफुल टू बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे जो है ना कुछ एडहॉक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि स्पेशली फाइनेंस के लोग दे आर यू नो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। वो अपने एनालिटिकल या जो उनका ऑपरेशनल एनालिसिस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एक्सेल पर। एट द सेम टाइम फिर उनको ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो जैसे उसको अपना एनालिटिक्स के लिए या अपने ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसी को यूज़ करते हैं, वो उसी डाटा को बजाय इसके को उसको किसी ऑटोमेटिक या कोई पावर बी आई में लेके जाएं या किसी और टूल में लेके जाएं, उसको एक्सेल के अंदर ही उससे वो एडवांटेज लेते हैं और वहीं पर अपने चार्ट्स वगैरह वो जो है वो डिवेलप कर लें। बहुत सारी जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे होपफुली इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, फिर लोग उसी पर काम करते हैं। क्या करते हैं, अपना कोई लिमिटेशन आ गई, कोई प्रॉब्लम है, वो डाटा अपना मेन जो आपका कोई भी ऑपरेशनल सिस्टम है, फाइनेंस का सिस्टम है सपोज, वहाँ से वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में, उसके ऊपर अपनी वर्किंग करते हैं, उसके ऊपर ही अपने डैशबोर्ड्स और ग्राफ्स वगैरह बना के। तो क्योंकि ये बिजनेस के अंदर एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि मीटिंग से पहले यू हैव टू प्रिपेयर सर्टन रिपोर्ट्स, और उसमें फिर वो जो डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, समटाइम उसके अंदर कोई मसाइल होते हैं या आपका जो मेन एप्लीकेशन है या आपकी कोई अगर रिपोर्टिंग का कोई आप टूल यूज़ करें या डेटा वेयरहाउसिंग है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। या ये भी होता है जो प्रेजेंटर है, जो वो जो ऑफिस ओनर है, ही डू नॉट वांट टू गो, वो डाटा ही शेयर नहीं करना चाहता। दिस इज़ अनदर रियलिटी। वो कहता है कि मैं अपना जो डाटा वो प्रेजेंट करूँगा, मैंने वो जो कॉमन डाटा वो मैंने यूज़ ही नहीं करना। तो वो ऐसी सिचुएशन में भी वो इसको यूज़ करते हैं और वो फिर वो डाटा एक्सेल के अंदर उसको यूज़ करते हैं, फिर उसी से अपने वो सारा उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसे अपने ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं। दैट इज़ हाउ यू नो क्विकली वो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वर्ड। क्योंकि एक चीज़ ये भी है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि जो जब हम एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं ना, उनके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है, एक लंबा वो एक टाइम पीरियड भी दरकार होता है उसमें इन सम टाइम। और क्विक विन्स के लिए जो है ना एक्सेल इज़ द बेस्ट। आपने डाटा एक्सपोर्ट किया, आपने उसके ऊपर मैनिपुलेशन किया, आपने उसको कर दिया, योर बी आई टूल या योर डाटा वेयरहाउसिंग टूल माइट बी स्टिल अंडर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको कई कई महीने लगते हैं, इवन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन साल भी लग जाते हैं। तो जो रिपोर्टिंग है वो तो नहीं रुकनी, राइट। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो। वो फिर ये कहते हैं जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं यार मैं एक्सेल यूज़ करूँगा एंड लेट मी यू नो मेक माई प्रेजेंटेशन और द ग्राफ और चार्ट वट एवर इन एक्सेल। फिर इसके अंदर ये देखिए कि ये आप एक चीज़ है जिसे कहते हैं पिवट चार्ट्स। और जो पिवट चार्ट्स हैं ये बड़ा पावरफुल टूल है एक्सेल का। इसके अंदर जो डाटा है आप डेटाबेस से डायरेक्टली, आपका एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, इन दोनों से आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू कीप ऑल द डाटा इन योर एक्सेल के अंदर सारा डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लिंक करते हैं और जो डाटा आपको चाहिए उसको आप उसके अंदर फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो
पिवट चार्ट्स हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप इसको जो डाटा आपके पास एक्सेल शीट के अंदर या वर्कशीट के अंदर अवेलेबल है आप उसको भी जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो हमने देख लिया कि इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने पावर बीआई के अंदर या वो जो दूसरे टूल्स के अंदर चार्ट्स की टाइप्स अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट सब इसके अंदर अवेलेबल है। और ये खुद आपको रिकमेंड भी करता है कि जो भी डाटा आपने सिलेक्ट किया उसके लिए विच चार्ट इज़ द बेस्ट, ठीक है। फिर आप लोग को इसको, ये एक इसका फीचर है, फिर आप इसको डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। जो डेटाबेस में आप चेंजेस आएंगी आपकी वो पिवट चार्ट में पिवट टेबल में भी वो ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। तो किसी हद तक जो आपका ETL का या इंटीग्रेशन का काम है वो भी ये करता है, ठीक है। बेसिकली एक्सेल जस्ट टू समराइज ओवरऑल योर जो हम विजुअलाइजेशन का हमारा एरिया है, एज आई सेड एक्सेल इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूल, बट इट कैन बी एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रैक्टिस योर डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें आप डेटाबेस से भी डेटा सेलेक्ट करके ला सकते हैं, इसके अंदर थ्रू पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स आप जो डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर डेटा उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक सिलेक्शन या पोर्शन ऑफ योर वर्कशीट उसको भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी आप चार्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और इसमें जस्ट टू कंक्लूड, फॉर क्विक विंस वेयर यू डू नॉट हैव ट्रेनिंग इन अदर टूल्स, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टूल नहीं है या वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द बेस्ट टूल टू यू नो सेव योर फेस एंड गेट द वर्क डन। थैंक यू।